हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक हेल्दी वेजिटेबल सूप, तो चलते हैं बनाना शुरू करते हैं। वेजिटेबल सूप बनाने के लिए कुछ बारीक कटा हुआ वेजिटेबल लिए हैं। ग्रेटेड करा हुआ गाजर 2 से 3 टेबलस्पून रखे हैं। बारीक कटा हुआ बीन्स, बारीक कटा हुआ कैप्सिकम, बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, स्वीट कॉर्न के दाने 2 से 3 टेबलस्पून। आप ग्रीन मटर भी यूज कर सकते हैं सूप में। गैस पर एक कढ़ाई रखे हैं, अभी पानी डाल देते हैं। 4 कप पानी ले रहे हैं, 3 लोगों के लिए सूप बना रहे हैं इसीलिए 4 कप पानी यूज कर रहे हैं। सूप में ये बटर की तेल यूज नहीं हो रहा है, हेल्दी सूप बना रहे हैं इसीलिए तेल की बटर यूज नहीं कर रहे हैं। अभी पानी को थोड़ा गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। अभी थोड़ा पानी गर्म हो गया है, अभी बारीक कटा हुआ सब वेजिटेबल जो डाल देते हैं कढ़ाई में। अभी स्वाद अनुसार नमक 1/2 चम्मच डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं। अभी कवर करके बॉईल होने के लिए 5 से 7 मिनट के लिए वेजिटेबल को छोड़ देते हैं। अभी थोड़ा चेक कर लेते हैं, 5 से 7 मिनट हो गया है वेजिटेबल को बॉईल करते हुए। पेपर पाउडर 1/2 चम्मच डाल देते हैं। छोटा टुकड़ा लेमन जूस डाल रहे हैं, लेमन जूस के जगह पर आप विनेगर 1 चम्मच डाल सकते हैं। अभी एक बाउल में कॉर्नफ्लावर पाउडर 1 चम्मच ले रहे हैं, थोड़ा सा पानी मिला के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लम्स नहीं रहना चाहिए गोल में, अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अभी इस सूप में कॉर्नफ्लावर पाउडर का पानी का घोल जो है वो मिला लेते हैं। इसे ही लगातार थोड़ा चलाते रहेंगे। सूप को और थोड़ा गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर पाउडर को थोड़ा पानी मिला के ऐड कर सकते हैं सूप में। 2-3 मिनट के लिए थोड़ा बॉईल कर लेते हैं सूप को। अभी हमारा सूप हो गया है, अभी गैस को ऑफ कर देते हैं। एक बाउल में निकल रहे हैं सर्व करने के लिए। आज का रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को क्लिक करिएगा नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।